हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। आप सिखाते हैं 57 ममालिक, 56 ममालिक, इस्लाम, इसके अलावा आप किसी को अपना नहीं मानते हो। तो जब आप अपना पासपोर्ट लेके जाएंगी, आप दुनिया से नफरत करेंगी, दुनिया के तौर तरीकों को गलत कहेंगी, आप ये कहेंगी सिर्फ हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, तो फिर आप जब उनके बीच एक सर, बेसिकली क्वेश्चन आज का ये है कि अगर हम बात करें तो आपने भी सुना होगा पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जायल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान सबसे घटिया पासपोर्ट जो होता है वो पाकिस्तान का साबित होता है। आगे अगर हम बात करें पाकिस्तान के पासपोर्ट की, तो हम देखते हैं कि इतनी ही वैल्यू है कि हमें कोई भी, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें रोका जाता है। उसके अलावा ये सुनने में आए पाकिस्तानी है तो साइड पे कर दिया जाता है। आज एक और न्यूज आ रही है कि रशिया ने इंडिया के पासपोर्ट की एक तो मतलब तारीफ की एक हिसाब से, और ये भी कहा कि इंडिया के पासपोर्ट का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अब इंडियंस को वेलकम किया जा रहा है रशिया के अंदर ई वीजा पे। तो आप मुझे बताइएगा क्या डिफरेंस है ऐसा, 1947 के बाद सेम हम लोग माने जा रहे थे, लेकिन आज ये मतलब नौबत आ गई है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को घटिया कहा जा रहा है बट इंडियंस का वेलकम किया जा रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों के पासपोर्ट में? कोई डिफरेंस नहीं है, इंसानों में डिफरेंस है। पासपोर्ट तो कागज है, उस पासपोर्ट को लेके ट्रेवल करने वाला इंसान डिफरेंट है ना। अब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है, सब लोग भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सब इंसान हैं, हम इंसानियत से हम बंधे हुए हैं। आप सिखाते हैं 57 ममालिक, 56 ममालिक, इस्लाम, इसके अलावा आप किसी को अपना नहीं मानते हो, इस्लामिक दुनिया, आलम इस्लाम, ये आप यहाँ से शुरू होते हो, यहीं खत्म हो जाते हो, इसके अलावा तो कोई आपकी वो नहीं है। तो वो बेचारा जो जो बच्चा आपके यहाँ से निकलता है, वो जब अमेरिका जाता है, वो जब वो कहीं और जाता है, तो वो दुनिया को अपनी दृष्टि से देख रहा होता है, मेरे तुम्हारे की दृष्टि से। हम दुनिया को मेरे तुम्हारे की दृष्टि से नहीं देखते, तो अप्रोच जो बदल जाता है ना, जब आप मुझे देखेंगी तो आपको लगे एक इंडियन है, एक हिंदू है और एक दुश्मन मुल्क का आदमी बैठा है। मैं आपको देखूंगा कि मेरी बहन है, छोटी बहन है, और एक इंसान है, एक लड़की है, वो बैठी हुई है मेरे साथ, तो दोनों के दृष्टिकोण में अलग है। तो जब आप अपना पासपोर्ट लेके जाएंगी, आप दुनिया से नफरत करेंगी, दुनिया के तौर तरीकों को गलत कहेंगी, आप ये कहेंगी सिर्फ हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, तो फिर आप जब उनके बीच पहुंचेंगी तो आपको एक नफरत होने लगती है, एक चिढ़ महसूस होने लगती है, और आप वहां पे फिर उन सोसाइटी में फिट नहीं बैठते, आप उन कल्चर से अलग अपना कल्चर बनाने लगोगे, आप एक समान एक जगह के उन्हीं लोगों के बीच में रहने की कोशिश करोगे जो आपके तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आपको आपके मिलनी तशख्स की बड़ी चिंता हो जाती है कि हमारी आइडेंटिटी खो जाएगी, हमारी कल्चर खो जाएगी, इस टाइप का आपका एक फिनोमेना रहता है। जबकि हिंदुस्तानी जब जाता है रशिया में, जाएगा रशियन बन जाएगा, अंग्रेजों क्या जाएगा अंग्रेज बन जाएगा, स्वीडन में जाएगा स्वीडिश बन जाएगा, जहां जाएगा वैसा ही बन जाएगा, वहां की मिट्टी के लिए लॉयल होगा, और उसको अपनी मिट्टी के लिए लॉयल होने के लिए अपनी जो उसकी जन्मभूमि या कर्म भूमि या जो उसकी धर्म भूमि है भारत, उससे उसको गद्दारी नहीं करने की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो स्वीडिश बन जाएगा तो भी हिंदुस्तान का गद्दार हो जाएगा, वो स्वीडिश भी एक ईमानदार बनेगा और भारत की भी वो ईमानदार करेगा, क्योंकि भारत की जो फिलोसफी है उसमें स्वीडन उसका परिवार है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ तो वो वेस्टर्न ममालिक है, वो फहाशी फैलाते हैं, वो लोग घटिया लोग हैं, आप बेहतर लोग हो। तो आपका यहाँ पे अगर एक आदमी एक जर्मन बन जाता है, एक पाकिस्तानी, तो वो फिर जर्मन होने के, अगर वो जर्मन वैल्यू सिस्टम को कि वो सेक्युलर हो जाए, वो फिर भगवान से अपनी दूरियां बना ले, अल्लाह से अपनी दूरियां बना ले, आप उसको अच्छा इंसान नहीं मानोगे फिर, तो वो जर्मन बनेगा तो वो अच्छा पाकिस्तानी नहीं बनेगा, और अच्छा पाकिस्तानी बनेगा तो वो अच्छा जर्मन नहीं बनेगा। हमारे यहाँ की वो अच्छा जर्मन बनेगा तो अच्छा इंडियन भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई तजाद नहीं है। तो यही है, पासपोर्ट में नहीं है कुछ अंतर, उसको कैरी करने वाले इंसान में है। इंसान की आपने जैसा जिस सोसाइटी में गए हैं, किसी को आपने चाकू मारा, किसी को क्लीवर मारा, किसी को आपने ठगा, यही किया आपने। इवन आपको तो, अच्छा छोड़ दें वेस्ट, आपको सऊदी जो है वो पासपोर्ट नहीं देना चाहते, आपको यूएई पासपोर्ट नहीं देना चाहता, अभी तुर्की में पाकिस्तानी निकालो का मुहिम चल गया था, क्यों? तो जब आप एक बार पाकिस्तानी वहां जाके किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो जब दूसरा पाकिस्तानी आएगा, और पाकिस्तानी कैसे आइडेंटिफाई होगा पासपोर्ट से, तो जैसे ही वो पासपोर्ट देखेंगे उसको उस वाले की याद आ जाएगी, अरे यार ये तो वही लोग हैं। तो ये है रीजन कि आपको समाज बदलना होगा, आनंद जी, सोचने का तरीका बदलना होगा,
57 मुल्क सिर्फ नहीं है दुनिया में जी। अगर हम बात करें, आपने कहा है कि लोगों का फर्क है, तो 1947 से पहले हम देखें तो हम सब ही भारतीय थे, भारतीय थे या फिर इंडिया से थे, वो पार्टीशन हुई, पाकिस्तानी हो गए। अब किस चीज की कमी है या किस चीज की ज्यादती है हमारे अंदर जो कि आज हमें दुनिया इस नजर से देखती है लेकिन इंडियंस को इस नजर से नहीं देखती। हम निकले तो इंडिया से ही है ना, हमारे में वो सब चीजें तो इंडियंस की थी, बट अब क्या वजूहत है कि हमें इंडिया से अलग और दुनिया में बुरा समझा जाता है। आप इंडियन तो हैं मगर आपका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया। आप दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहती, आप ये नहीं कहती कि सब धर्म एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिस दिन आप ये कहने लगेंगे आप वापस से इंडियन हो जाएंगी। तो इंडियन सिर्फ बॉडी से नहीं बनता, आदमी इलाके में रहने से नहीं बनता, उसको वो सोच भी इंडियन रखनी पड़ेगी, जिसमें वो सभी प्रकार के रिलीजन्स की और भगवानों की वो इज्जत करे, उनको एक समान समझे, किसी को झूठा या सच्चा ना कहे, वो सबको एक समान, इंसानों को वो एक समान लेके चले, तब आप इंडियन बनेंगी। तो आपको इंडिया से पहले काटा गया और फिर आपके दिमागों को चेंज कर दिया गया, उस वजह से आप ऐसी बन गई। इस वजह से दुनिया आपको ऐसे देखती है। आपके कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर जाके बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन वो फिर इंडिया को अपना दुश्मन नहीं कहते। जी बोले अभिषेक भाई, हम देखें तो जहां तक मतलब तरीक पड़े तो कुछ और नजर आता है पाकिस्तान की, इंडिया की, न्यूट्रल भी कुछ और नजर आता है, बट जहां तक मैंने कुछ जगहों से, कुछ अपने अवाजाल से, कुछ जगहों से सुना है तो ज्यादातर सुनने में ये आता है कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने में अंग्रेजों का हाथ था। लेकिन जहां दूसरी साइड में देखती हूँ कि जिन्ना चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग से रियासत बने, मुल्क बने, वतन बने और मुसलमानों को मुसलमान के राइट्स दिए जाए ताकि मुसलमान मजहबी आजादी के साथ अपने मुल्क के अंदर रह सके। तो क्या सच्चाई है, क्या अंग्रेजों ने यह सब कुछ किया जानते बूझते कि दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बन सकता था हिंदुस्तान, मतलब जैसे पाकिस्तान और इंडिया के लोग थे तो हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत बन सकता था, क्या अंग्रेजों की साजिश थी या फिर जिन्ना का फैसला था, या मतलब क्या इसमें वजूहत है? सब कुछ था। अब जिन्ना कोई बच्चे तो थे नहीं कि अंग्रेजों की साजिश का शिकार हो जाते, तो साजिश तो कांग्रेस भी कर रही थी कि तुम मिल जाओ, देश को मत तोड़ो और तुम प्रधानमंत्री बन जाओ या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। उनके तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे, उन्होंने अलग मुल्क बना लिया, तो वो उनको अपनी, जैसे कि अब आपको कुछ चाहिए और आपको देने के लिए सामने वाला आदमी कह रहा है कि जो तुमको चाहिए वो हम तुमको दे देंगे लेकिन तुम्हें हमारी ये बात माननी पड़ेगी, तो वो चले गए। अंग्रेजों को ये लगा कि वो पाकिस्तान को, भारत को तोड़ करके जो है वो रशिया के जो एक्सटेंशन है उसको वो रोक सकते हैं। जो भी उनकी अपनी समझ थी उस हिसाब से उन्होंने अपना अपनी पॉलिसी चली। समस्या ये थी कि पाकिस्तान के लोगों को उसके बाद अपने आप से नफरत करना सिखा दिया। अलग मुल्क भी बन गया, कोई बड़ी बात नहीं, मुल्क कई से टूटे हैं, जर्मनी टूटा था, सूडान टूटा है, कोरिया टूटा है, चाइना टूटा है, सब टूटे। चाइना और ताइवान में लड़ाई नहीं है क्या? चाइना कहता है ताइवान मेरा है। मुल्क बहुत से टूटे हैं बच्चे, पर इतनी जो दुश्मनी है अपने आप से, अपनी इतिहास से, अपने इतिहास के ऊपर तेजाब डालने का काम सिर्फ पाकिस्तानियों ने किया। वो कुछ और बनने के लिए चले गए। ठीक है, आप अलग हो जाते, मुल्क अलग हो जाता, आपका अलग रिलीजन था, रिलीजन अलग होने से कल्चर अलग हो जाएगा। आप तुर्की बन जाओगे, आप घोड़े का मीट खाओगे, आप शोरमा खाने लगोगे, आप क्या अरबी बोलने लगोगे, क्या बोलने लगोगे, आपके वही सोच रहेंगे जो एक भारतीय की रहती है। हमारे आपके सोच में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। आप जितना भी कह लो, जो मुझे अच्छा लगता है, जिस चीज से मुझे दुख होगा, जिस चीज से मुझे खुशी होगी, वो आपको भी वही चीज देगी। हमारी पिक्चरें आपको इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमारी पिक्चर है, इसलिए नहीं क्योंकि आप जानते हो कि वो आपकी पिक्चर है, क्योंकि आप उसके कल्चर में, आप उसके ट्रेडिशन में, उनके किरदारों में खुद को देखते हो, उनकी चीजें आपको अच्छी लगती हैं और भारत की ये चीज जो है वो आपको भारतीय बनाती है। तो आप उससे पीछे छुड़ाना चाहते हो। पाकिस्तानी कल्चर क्या है? पाकिस्तानी कल्चर इस्लामिक कल्चर तो क्या है? इस्लामिक कल्चर क्या तुर्कों का और अफगानों का कल्चर सेम है? अब कल्चर क्या होता है? कल्चर का नाम है भाषा, खान पान और कपड़े। ये तीन चीज कल्चर ले ले। क्या अफगान और तुर्क एक कपड़ा पहनते हैं? अफगान और तुर्क एक भाषा बोलते हैं? अफगान और अरब एक भाषा बोलते हैं? तुर्क और अरब एक भाषा बोलते हैं? क्या अफगान और तुर्कों और अरबों का खाना एक है? क्या अफगान और तुर्कों का खाना एक है? तुर्कों और अरबों का खाना एक है? नहीं है भाई,
तो कौन सा इस्लामिक कल्चर आपका है बता दो आप, विच कल्चर इज योर कल्चर। जिस इस्लामिक कल्चर के लिए आप परेशान हो वो पहले बता तो दो कौन सा है। आप क्या, आप रिलीजन इस्लाम का लिया हुआ है, भाषा अरब को मानते हो और सारी की सारी जो कल्चर है वो तुर्कों की, लेखने की, आपका आर्किटेक्चर तुर्किश है, आपके हीरो तुर्किश है, तो आपके यहाँ पे बहुत एक जबरदस्त कोशिश करके कल्चर का निर्माण किया जा रहा है, जो कल्चर वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे कल्चर नहीं बनते भैया एक दो दिन में, हजारों साल, हजारों लाखों साल लगते हैं कल्चर बनने में। हमारा आपका कल्चर एक है, आपको हमारी शादियां ही पसंद आएंगी जहां मेहंदी लग रही हो, ढपली बज रही हो। भैया इस्लाम में म्यूजिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आराम बताया गया है। आप ढोलक बजा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कह रहे हो कि ये इस्लामिक कल्चर है, यार खुदा का खौफ करे आप। तो आपको क्यों अच्छा लगता है? एक अरबी को नहीं अच्छा लगता, वो नहीं कर रहा है। आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपका खमीर वही है, वही मिट्टी है आपकी, तो आपको उसमें बड़ी खुशियां होती है। हाँ यार ये वाला करना चाहिए। अरबी तो नहीं कर रहे हैं, अरबी ढोल पीट के शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो, आप क्यों कर रहे हो फिर? तुर्की भी नहीं कर रहे ढोल पीट के शादी। तुर्की देखिए आप, वो उनकी तरह करते हैं, यूरोपियंस की तरह, व्हाइट गाउन, साड़ी और ड्रेस कोड जो यूरोपियंस करते हैं वो तुर्की, चूंकि उनके कंट्रोल में रहे रशियंस के, उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए आप जो है अपने आप से नफरत जिस दिन बंद करेंगे, सारा का सारा आपका पासपोर्ट अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे हो जाओगे, आप दुनिया से प्यार करने लगोगे। भारत दुनिया से प्यार करना सिखाता है, पाकिस्तान सिर्फ नफरत करना सिखाता है, यहूद से, हनूत से, वेस्ट से, अफगान से, इससे जिससे हो नफरत ही करो भैया, क्योंकि पाकिस्तानी हो गए। और भारतीय बनेंगे ना सबसे प्यार, यहूदी से, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, अथीस्ट से, ट्राइबल से, चरवाहे से, पेड़ों से, पक्षी से, नदियां, सबसे प्यार, ये है भारत। जी बताएं। बिल्कुल सही। अभिषेक भाई मुझे ये बताइएगा, इस टाइम आप जिस सिटी या स्टेट के अंदर इंडिया के मौजूद हैं वहां पे पेट्रोल की कीमत क्या है? एक मिनट, ये तो आपने बहुत टफ क्वेश्चन कह दिया। तो मैं मेरे पास गाड़ी नहीं है ना अभी, तो 97 रुपए 22 पैसा। कितने? 97 रुपीज। अच्छा चलिए, आपको और सबको जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको खुशखबरी या मतलब बैड न्यूज दोनों में से जो आपको समझ आए। और कल ये पाकिस्तान के अंदर रेट चेंज हुआ है 273, पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से 20 रुपए ज्यादा हो गई है। तो मतलब यहाँ तो ये हाल है कि यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से मारा जा रहा है कि उन्होंने 1947 में गलती कर दी पाकिस्तान आके, ये वाला हिसाब किया जा रहा है यहाँ पर इस टाइम के। मतलब हर चीज इतनी ज्यादा महंगी की जा रही है कि गरीब से जो गरीब तर है वो इतना मजबूर हो गया, इतना मजबूर हो गया, ना उसके पास बाहर जाने के पैसे, ना उसके अंदर पास पाकिस्तान में रहने के खाने के पैसे। और इस टाइम वो क्या सोचता होगा ये हम सब बखूबी जानते हैं। अगर दूसरी जानिब हम देखें तो हमें एक न्यूज वायरल होती नजर आ रही है सोशल मीडिया पे कि अरब चाहते हैं इंडिया का बासमती राइस, और वो चाहते हैं कि किसी तरह बस जल्दी जल्दी इंडिया से बासमती राइस आ जाए उनके मुल्क में, ताकि वो मतलब सही से खा सकें, और बाद में इंडिया कहीं भी बैन भी कर सकता है एक्सपोर्ट को और नहीं भी मिलेगा उन्हें। तो आप यहाँ से देखिए कि कितनी डिमांड है इंडियन चीजों की। आज इंडिया की ही चीज से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया की चीजें भी पाकिस्तान के अंदर 3 गुना महंगी दी जा रही है। अब इसमें पाकिस्तानियों का क्या कसूर है कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के साथ अहलाक किया, इस वजह से पाकिस्तानियों को ये सजा दी जा रही है? और अगर हम बात करें पाकिस्तानी चीजों की, तो जो चीज इंडिया के अंदर 100 रुपए की है वो यहाँ पर 600 रुपए की दी जा रही है। मतलब आप यहाँ पर डिफरेंस देखें। देखिए पाकिस्तानियों की ही गलती है ना, टू नेशन थ्योरी तो पाकिस्तानियों ने उनको तो बोल के बताया गया था, उन्होंने वोट किया इसके फेवर में, तो आप जैसे कर्म करेंगे उसकी सजा आपको मिलेगी। तो मैं ये नहीं मानता कि आप ये कह के निकल सकते हैं कि पाकिस्तानियों की क्या गलती है। पाकिस्तानियों ने पहले अपनी धरती से नफरत की, फिर उसके बाद अपनी धरती को तोड़ा। और देखिए ये जो तोड़ने वाले थे उनमें सबसे पहले अहमदिया थे, और भारत में मुस्लिम लीग को बनाने वाले और उनको जिताने वाले बंगाली थे, और दोनों लोग के साथ क्या हुआ आप देख लीजिए। आज अहमदिया आपके पासपोर्ट में अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, और बंगालियों का तो वो होसर हुआ कि वो याद रख लिया अपने जन्मों जन्मों तक। कर्मा, लॉ ऑफ कर्म कम बैक,
कर्म जो है वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने इकोनॉमिक कैसे आपकी चलती, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंटल पॉलिसी चाहिए होती है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। आप ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हो, इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए थिंकिंग चाहिए होती है। हर कोई नथिंग इज ऑफ द लिमिट, आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ सोचने से। आपकी एजुकेशन सिस्टम में तो कहा जाता है क्वेश्चन मत पूछो, सोचो मत, बस विश्वास कर लो जो कर रहा है। आपके पास तो हर चीज का सलूशन है कि जो कर रहा है वो अल्लाह कर रहा है। सोचिए पीटीआई की गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद उस बेस्ट गवर्नमेंट के सबसे बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर है वो कह रहे कि चंद्रमा तो हमें यहाँ है जाने की जरूरत क्या, हमें पता है चंद्रमा यहाँ है। तो आपने ये कर्म किए हैं तो भोगेंगे भी आप ना, ये तो आपकी मर्जी थी। आपको एक भारत कांग्रेस ने कहा था कि एक आप यूनाइटेड इंडिया में रह के हम सब एक साथ रह सकते हैं, रिलीजन हमारा पर्सनल, आज नहीं तो कल आप मानेंगे, आप मेरी बात मैंने रहूंगा, लेकिन आप ये रिकॉर्ड अपने यूट्यूब के लाइब्रेरी में छोड़ जाइएगा, आज नहीं तो कल आपका देश इसी पे आएगा कि रिलीजन पर्सनल मैटर है, हम स्टेट का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। आप आएंगे अपने जैसे यूनेस्को क्या करता है ना, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है, आप तो यूनेस्को से भी ऊपर हो, आप अपने कल्चरल हेरिटेज के ऊपर बम मारने को तैयार। तक्षशिला को आपने कभी सम्मान दिया, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को कभी पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाई, आपने तो बस वही मुगलों का वो जामा मस्जिद और ये मस्जिद, वो बुरी नहीं है, अच्छी है वो भी, लेकिन उनके अलावा जो इतनी बड़ी बड़ी धरोहर है उसको तो आपने साइडलाइन कर दिया है। आपने कभी चाणक्य का पोस्टर लगाया अपने, उसमें चाणक्य जिसने की पॉलिटिकल साइंस की सबसे महान किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसकी उसका उसका कोई है आपके यहाँ पे, इज्जत नहीं है। तो आपने जो किया है और भोगेगा कौन, ये तो जो आपने चूज किया है, ये जीवन आपने चूज किया है, ये गवर्नमेंट भी आपके में से आती है, ये आर्मी भी आपके में से आती है, ये सोसाइटी भी आपके में से आती है, आप किसी को दोष ना दे, ये सब सही है, ये सब सही है, कोई गलती नहीं है इनमें। इनकी जो समझ है, जितनी इनकी समझ है वो उसमें से बेस्ट कर रहे हैं, पर इस समझ को बनाने का निर्माण तो आपकी सोसाइटी और समाज ने किया था। किसी एक के ऊपर गाली और उंगली मत उठाइए। बिल्कुल, इस बात से तो मैं भी आपकी एग्री करती हूँ कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। हमने जो किया है हमने वही पाया है, और वैसे भी इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हम लोग खुद कौन सा अच्छे हैं, हम लोग यहाँ पाकिस्तान में वही चीजें करते हैं और वही चीजों को जाके बाहर हम फॉलो करते हैं, तो मतलब खुद हम पाकिस्तान को गंदा करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करते नहीं। और फिर आ जाता है कि नहीं, पाकिस्तान तो हमारे इस्लाम पे बना है, हम इसकी कदर करते हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो खैर, बाकी हमारे जो देखने वाले, तो आप इस्लाम भी फॉलो नहीं करते, इस्लाम ही फॉलो कर लीजिए, तालिबान की तरह चले जाइए, सऊदीया की तरह सरकार बनाइए, आपको इलेक्शन भी चाहिए, पार्लियामेंट भी चाहिए, ये इस्लाम है, मनफी कर रहे हैं, मुनाफिक लोग हैं आप। तो अल्लाह ने कहा है कि मैं तो एक बार ना शिर्क करने वाले को भाई मतलब अगर सोच भी लूं कभी, लेकिन मुनाफिकों तो मैंने कभी माफ नहीं करना। तो आप मुनाफिक लोग हैं ना, आपको शरिया लगाना चाहिए, आपको टीटीपी को अपने यहाँ पे सरकार बनाने देनी चाहिए, आप टीटीपी से लड़ दे, खुदा का खौफ करें, आपको तो टीटीपी के लिए दरवाजे खोलने चाहिए कि आइए भाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सोचिए कितनी खूबसूरत चीज है। आपको तुरंत टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके, आपको तुरंत घर में समेट लेना चाहिए, शादी करके अब आप बच्चे पैदा करें, ये सब जो कर रही हैं आप ठीक नहीं कर रहे। खैर, एनी वेज, आपकी इच्छा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आगे बातों को मैं बहुत समझ रही हूँ। बाकी खैर, डायरेक्टली जो भी आपने बोलना चाह रहे थे आपने इंडायरेक्टली बोला है। हमारे देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो क्या इस पर अपनी राय रखते हैं वो भी बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चे पैदा करके घरों में बैठ जाना चाहिए जो हम कह रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं कर रहे या नहीं, जो भी है अपनी राय बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी पाकिस्तान का फ्यूचर आप लोगों को क्या लगता है इन हालात के अंदर, अभी आप पेट्रोल की कीमत देख लें और बाकी चीजों की भी कीमतें देख लें, इन सारी कीमतों और इस सारी सिचुएशन के बाद आपको पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तानी लोगों का फ्यूचर क्या नजर आता है, और पाकिस्तान कितना तरक्की करता हुआ आगे भी फ्यूचर नजर आता है, ये सब चीजें भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हमें दे इजाजत, मैं मिलूंगी अभिषेक सर के साथ दोबारा इंशाल्लाह कमिंग सून, नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।